ऑन राइट, तो इसका मतलब है कि आपको फिर नीचे ही चार्ज करनी है ना, फैक्टिव मैक्स जो मैक्सिमम प्राइस फैक्टिव तभी होगी जब वो नीचे चार्ज होगी। अच्छा, इससे ताकि सबका फायदा हो, लेकिन इसके अंदर इशू है क्या, जब आप प्राइस कम करेंगे तो ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर जो है वो मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, वो अपनी सप्लाई को भी कम कर देगा और यहाँ आ जाएगा। इसी तरह जो कंज्यूमर है, प्राइस चूंकि कम हो रही है तो वो ज्यादा करेगा डिमांड, मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी और वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे ये गैप आ जाएगा, ये आपकी शॉर्टेज, जी क्वांटिटी सप्लाइड हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगी और यहाँ पर गैप आ जाएगा और इसको हम बोलेंगे शॉर्टेज। इसका मतलब है अब लोग क्या कहेंगे, अब कुछ लोगों को चीजें मिलेंगी नहीं, पहले था मिल सबको रही थी लेकिन महंगी मिल रही थी या गवर्नमेंट महंगी को लगता, लेकिन अब ये है कि सिर्फ जो OQS तक लोग हैं इनको मिलेगी, यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग इस एरिया में आ रहे हैं उनको मिलेगी, बाकी जो लोग हैं उनको नहीं मिलेगी। पहले कितने लोगों तक, कितने कहाँ तक मिल रही थी पहले, पहले पी ए तक, वो ओ इक्विलिब्रियम तक नहीं, पहले OQ तक मिल रही थी ना, जी। पहले एक मिनट मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, पहले मिल रही थी OQ तक, पहले यहां से ले ओके। पहले देखो ना यहां से ये लिख नहीं रहा, मैंने क्या दबाया था। अच्छा तो ये देखो, ये ओ क्यू पहले यहां तक कंज्यूमर्स को मिल रही थी है ना, जी इतनी कंज्यूमर को मिल रही थी, अब सिर्फ मिलेगी OQS तक। तो इसका मतलब है जो QS, Q और QS में डिफरेंस है, ये अब इन लोगों को, अब क्वांटिटी चूंकि कम हो गई है तो कुछ लोगों को अब बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, पहले से भी कम। इसका मतलब है गवर्नमेंट को यहाँ पर क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। गवर्नमेंट को छापे मारने पड़ेंगे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, होर्डिंग कर लेते हैं, वो होर्डिंग। हाई फाइल से बेच देते हैं फिर बाद में। हाँ जी, जब नहीं मिलती तो लोग कहते हैं भाईजान दे दो, कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर वो फिर कहते हैं चलो यार गोडाउन से निकाल के लेके आओ, वो पीछे से लेके आता है, बिल कोई नहीं देते आपको, बिल तो दे नहीं सकते क्योंकि आप उस प्राइस पे बेच ही नहीं रहे। तो फर्ज किया इक्विलिब्रियम की प्राइस 100 थी, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और गवर्नमेंट ने 80 रख दी, अब वो बेचते कितने पे हैं, वो बेचते हैं अब ये होल्डिंग की वजह से 120 पे, देखो जरा ये तो, और लोग कहेंगे यार अदा पड़ गया, इससे तो बेहतर है कि वही ठीक था। ये तब होता है जब गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो इतना एफिशिएंट नहीं है और वो इंस्पेक्टर फ्रीक्वेंटली जाके इंस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनके गोडाउन में छापे नहीं मार रहे कि भाई इन्होंने कहीं जमा करके तो नहीं रखे हुए आटा या चीनी या चावल वगैरह जो भी है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकता है अगर गवर्नमेंट विजिलेंट नहीं है तो। लेकिन भारत मैक्सिमम प्राइस होती किस लिए है, आपको पता है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, कि उनको चीजें मिल जाएं जिनको नहीं मिल रही थी, मकसद ये है, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को विजिलेंट होना पड़ेगा। समझ आ गई। जी अच्छा, इसी तरह अगर मैं मिनिमम प्राइस की बात करूं तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, तो अब मिनिमम प्राइस लगती है इक्विलिब्रियम से ऊपर, ठीक है, और ऊपर मतलब ये मैक्स, सॉरी एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, अगर हम ये जो ऊपर मैंने आपको अभी दिखाया है, यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम प्राइस यहाँ चार्ज कर लूँ, ये M1, तो क्या होगा, सवाल क्या है, सर सवाल है। डिमांड तो जी अच्छा बात सुनो, यहाँ जरा खिचड़ी बनी हुई है, मैं नीचे बताता हूँ, जो सवाल MCQ में आ जाते हैं तो मुझे बताने पड़ते हैं आपको। ये नीचे देखो, ये डिमांड है, ये इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और ए, 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 क्या प्राइस जो है ना P1 है। अच्छा P1, अगर गवर्नमेंट ने ये प्राइस रख दी है, ठीक है, मैक्सिमम, मुझे बताओ अब प्राइस क्या होगी। अच्छा इस हम मैक्सिमम प्राइस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस, ठीक है ना। जी तो अब ये बताओ, अगर इन्फेक्टिव, सर, अगर इन्फेक्टिव मैक्सिमम प्राइस रख दी है तो अब प्राइस क्या चार्ज होगी,
सारा प्राइस ज्यादा चार्ज हो रही है तो इवेंचुअली डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई क्योंकि उतनी रहेगी तो फिर सरप्लस हो जाएगा। मुझे बताओ प्राइस चार्ज क्या होगी? ये सर ऊपर P1 पे होगी ना। P1 पे, यही मैं आपसे जानना चाह रहा था। ये गलत आंसर है आपका, क्योंकि मैक्सिमम प्राइस का मतलब है आप इससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे तो रह सकते हैं। तो वो मैं इस प्राइस से सर चार्ज करने क्योंकि से पहले इतना चार्ज कर रहे थे ओपी, तो भाई वो उतना ही चार्ज करते रहेंगे ना। ओपी पे वो एग्री कर रहे थे, उनको फायदा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है, तभी वो प्राइस चार्ज कर रहे थे ना। अब प्राइस ऊपर चली गई है, वो कहेंगे ठीक है हमारा तो फायदा है, हम फिर यही चार्ज करते रहेंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। ऊपर क्यों नहीं जाएंगे भला? सर वो तो सही बात है लेकिन आपने ऊपर इनफेक्टिव भी तो लिखा है तो मैंने तो उसी इसलिए ना हिसाब से बताया है। इसका मतलब है नहीं, इनफेक्टिव का मतलब ये है कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। अब जो मैक्सिमम प्राइस है, एग्जैक्टली यानी कि जो प्राइस चार्ज कर रहे थे और गवर्नमेंट को लगता था ये ज्यादा प्राइस है, वो तो अभी भी वही चार्ज करेंगे, क्योंकि अभी भी P1 से तो वो नीचे है, तो कंज्यूमर तो प्रोटेक्ट नहीं हुआ। समझ आ रही है? वो पी ठीक वन है पे नहीं, जी वो पी वन पे नहीं सर। जाएंगे, वो पी वन पे नहीं जाएंगे, वो इतनी चार्ज करते रहे, क्योंकि पी वन पे जाने से तो डिमांड कम नहीं हो जाएगी, ये देखो है ना। सर मैं वही वही तो बताया फिर वो इवेंचुअली सरप्लस हो जाएगा तो वो है रहेगी इनफेक्टिव ही तो तो नहीं हो अगर सकती। पेपर में सवाल आता है ठीक कि भाई क्या प्राइस चार्ज होगी, तो आपने कहना है ओपी, मैक्सिमम प्राइस का मतलब ये थोड़ी होता है कि उतनी ही चार्ज करनी है। आप कम पे भी चार्ज कर सकते हैं, और वो पहले कम पे चार्ज कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे? उनको प्रॉफिट हो रहा था तो कर रहे थे। अच्छा, और ये तो मैक्सिमम की बात हो गई। अच्छा, मिनिमम पे आ जाते हैं, तो मिनिमम ये आपकी प्राइस आ गई। मिनिमम हमेशा ऊपर होती है, नीचे इनफेक्टिव होती है, ये इफेक्टिव है। तो अब इस, और ये क्यों, अब सवाल ये कि ये प्राइस मिनिमम क्यों होती है और ऊपर क्यों चार्ज की जाती है, पता है? सर क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम से ऊपर ऊपर होएगी क्योंकि ये नहीं तो क्यों मिनिमम है ना मिनिमम क्यों प्राइस रखी होती है गवर्नमेंट ने? जिस तरह मैक्सिमम प्राइस तो सर हमने देख टू लिया ना। हाँ प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर। जी, एक तो बात आपने बिल्कुल सही की है, टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स, और एंड सर टैक्स कलेक्शन के लिए नहीं टैक्स, यहाँ पे टैक्स तो नहीं आ रहा ना। आप दूसरा जी वो है लिखूंगी ये देखो, अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, आपने कहा सर मार्केट फेलियर कहाँ है, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। समझ आई? जब डीमेरिट गुड्स की कीमत ज्यादा हो जाएगी तो फिर लोग नहीं ना लेंगे, नहीं लेंगे तो गवर्नमेंट चाहती यही है कि भाई डीमेरिट गुड्स ज्यादा कंजम्पशन से मार्केट फेल हो रही है, रिसोर्स की एलोकेशन जो है ना वो इनएफिशिएंट है, प्रोड्यूसर भी बनाई जा रहे हैं इसी वजह से कि लोग मांग रहे हैं। जब लोग ही नहीं मांगेंगे तो प्रोड्यूसर भी फिर नहीं बनाएगा ना। तो ये दोनों, प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए और कंज्यूमर्स को रोकने के लिए कि वो चीज को इस्तेमाल ना करें। तो अब ऑफकोर्स ऊपर चली गई है तो प्राइस ऊपर जाएगी तो कंजम्पशन कम होगी ना, वो यहाँ पहुंच जाएगी, और जो सब प्रोड्यूसर जरूर बेचारा आगे चला जाएगा। लेकिन अब प्रोड्यूसर का प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आ गया कि प्रोड्यूस कई प्रोड्यूसर जो है ना उनको, अब ये प्रोड्यूसर, अच्छा एक तो ये प्रोड्यूसर को अच्छा रेट मिल रहा है, पहले प्रोड्यूसर को 100 रेट मिल रहा था, अब मिल रहा है 120, प्रोड्यूसर खुश है। लेकिन क्या सारे प्रोड्यूसर्स को मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा ना, क्योंकि डिमांड नहीं तो इतनी रह गई है, अब तो यहाँ चली गई है। ये जो गैप आ रहा है ये वो प्रोड्यूसर हैं जिनको, जिनकी चीज अब बिकनी नहीं है, वो कहेंगे भाई खुदा के लिए आपने पर कीमत तो ज्यादा कर दी है, जिनकी बिक्री है उनकी तो मौजें हो गई, उनको 100 की जगह पर 120 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अब कई प्रोड्यूसर हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा, तो वो कहेंगे यार इससे बेहतर था कि कम से कम 100 रुपया मिल तो रहा था। तो इसमें गवर्नमेंट को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फिर वो खुद खरीदना पड़ जाएगा। गवर्नमेंट को वो जो आइटम्स हैं, गवर्नमेंट ये हम आगे पढ़ेंगे जाके, खुद डिमांड करके क्या ले जाए, डिमांड को, डिमांड यानी कि ये डिमांड अब कौन करेगा, गवर्नमेंट ने खरीद ली तो डिमांड पहुंच गई यहाँ पर। अब प्रोड्यूसर को 120 मिलेगा हर एक को, और अब कोई सरप्लस भी नहीं है, पहले तो सरप्लस मौजूद था ना। ये जो आपका इतना बड़ा जो आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिख भी दूं ये Q1 और ये Q2, ये गैप आ रहा था, अब नहीं आ रहा। फॉलो कर रही बात को? तो जी सर गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा फिर, मार्केट से चीजें जो सरप्लस में है उनको उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसको पता क्या बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, हम पढ़ेंगे बस अभी, बफर स्टॉक।
गवर्नमेंट वो क्या करती है, प्राइसेस को मेंटेन करने के लिए जो गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट चीजें मार्केट से बाय भी कर लेती है, बाय करके ना गोडाउन में रख लेती है, जिससे प्रोड्यूसर को वो एक सप्लाई रीजनेबल अमाउंट में मेंटेन होती है, सरप्लस नहीं होता तो प्राइस कम भी नहीं होती, तो प्रोड्यूसर को भी एक रीजनेबल अमाउंट मिलती रहती है। और दूसरा रीजन मैंने बता दिया है, कंजम्पशन कम किया आपने क्योंकि वो डीमेरिट गुड्स था, ठीक हो गई बात। जी अच्छा और इससे जब प्राइस बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर नहीं ले रहे तो प्रोड्यूसर क्या करेंगे, वो भी छोड़ देंगे लेना, फिर सॉरी बनाना छोड़ देंगे ना, प्रोड्यूसर कहेंगे यार प्रॉफिट नहीं हो रहा हमें, अगर हमें बेचनी है तो कीमत कम करनी पड़ेगी, कीमत कम करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, जबकि कीमत वो कम कर नहीं सकते, क्यों, गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगा दी है, उससे कम करनी नहीं, तो वो फिर प्रोडक्शन छोड़ देंगे ना, समझ आ गई। जी अच्छा इसका जी मतलब है, अच्छा अब मैं आपको दिखा दूं कि जनाब ये कंट्रोलिंग प्राइसेस, इसमें डायग्राम नहीं बनी हुई थी तो मैंने बना दी है, इसलिए तो हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया है, चैप्टर 3 का पहला टॉपिक हो गया, अब दो और रह गए इंशाल्लाह ताला, वो भी हम इस हफ्ते में खत्म कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे, हो सकता है जल्दी कर लें, अब आपका काम है वर्कशीट पूरी कीजिएगा, आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज, कोई सवाल तो नहीं है आपका, नहीं सर। नहीं, अच्छा खुदा हाफिज।